जनता मुजफ्फरनगर में आज प्रबुद्ध जन मंच द्वारा जैन संगठनों के सहयोग से जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमपुरी में मेरी बेटी मेरी शान स्मार्ट गर्ल विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद मीनाक्षी स्वरूप रही। संस्था के अध्यक्ष निशांक जैन ने बताया कि आज के समय में मोबाइल सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली हैं, वहीं इनके अनेक दुरुपयोग भी सामने आए हैं। 13 साल से 25 साल तक की बेटियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा बच्चों और उनके माता पिता को बड़े मनोरंजक और वैज्ञानिक तरीके से ये समझाया जाएगा कि बच्चे कैसे अपना मन स्थिर करके समाज में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। जी सर, आपका नाम? मैं निशांक जैन, अध्यक्ष प्रबुद्ध जन मंच। आज का ये कार्यक्रम हमने अपनी बेटियों के लिए रखा है। आज के समय में जिस प्रकार से मोबाइल का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, तो बच्चे, उनके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। तो हमने ये एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को कैसे वो स्मार्ट बने, कैसे कॉन्फिडेंट बने, कैसे आज के समय के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने में सक्षम हों, इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ा विशेष रूप से विशेषज्ञों द्वारा हमने ये कार्यक्रम रखा। बाहर से हमारे पास में ट्रेनर आए हैं, जो दो दिन में बच्चों को, फिर उसके बाद में उनके पेरेंट्स को, आपस में कैसे माँ बाप के संबंध हो, बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे संबंध हो, पेरेंट्स के ट्रीटमेंट बच्चों के साथ कैसा हो, और बहुत सारी चीज़ें जिससे बच्चे आने वाले चैलेंजेस को निपटने में सक्षम हो और अपने आप को कहीं पर भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो, उनको अपने आप को प्रस्तुत करने में कोई समस्या ना हो। और भी कॉलेज में, स्कूलों में? हाँ, ये प्रोग्राम आज सबसे पहला मुजफ्फरनगर में हमने शुरू किया है। जिस संस्था के सहयोग से हमने प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने करीब 4000 बच्चों को अब तक इसके लिए ट्रेनिंग दी है। और मेरा पूरा का पूरा उद्देश्य है, प्रबुद्ध जन मंच द्वारा इस शहर के लगभग प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में हम ये कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमारी बेटियां अच्छे दोस्त बनाएं, इधर उधर भटके नहीं, और उनका करियर बहुत अच्छे से बने। ये बच्चे हमारे एसेट हैं, और ये अच्छे से बढ़ें तो हमारी निश्चित रूप से ये एसेट बढ़ेगी।